बच्चों, हमने पाठ पढ़ा था विमान यानम रचयामा। तो अब हम करेंगे उसके क्वेश्चन आंसर्स, प्रश्नोत्तर। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। क्वेश्चन नंबर 1 था कि हम उसे सस्वर गाएं, तो हमने गा लिया था उसको। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 से हम इसे पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, कोष्ठकांतर्गतेषु शब्देषु तृतीया विभक्तिं योजयित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत्। कोष्ठक, कोष्ठक बोलते हैं ये ब्रैकेट को, ठीक है। कोष्ठक के अंतर्गत शब्दों में तृतीय विभक्ति को जोड़कर रिक्त स्थानों को पूरा करो। तो इसमें तृतीय विभक्ति जोड़नी है जो कोष्ठक में है, जो ब्रैकेट में है। तो फिर उसे हमने क्या करना है, ये रिक्त स्थान दिख रहे हो, दिख रहा है ना आपको, इसको आपने क्या करना है, पूरा करना है। यहाँ पर लिख देना है इसको तृतीय विभक्ति जोड़ के। तो जैसे इन्होंने यहाँ लिख के बताया हमें, नवः चंद्रेण शोभते। अब इन्होंने चंद्र का क्या बना दिया, चंद्रेण। तो आपने भी वैसे ही यहाँ आपने भरना शुरू करना है। सा ब्रैकेट में लिखा है विमल, फिर उसके बाद लिखा है जलेन मुखम प्रक्षालयति। तो क्या होगा, विमलेन, ठीक है। यहाँ आप नीचे देखेंगे इसके आंसर्स हैं, ये लिखा है सा विमलेन जलेन मुखम प्रक्षालयति, जिसका हिंदी में अर्थ होगा वह शुद्ध जल से मुख को धोता है, मुंह को धोता है, ठीक है। प्रक्षालयति मतलब साफ करता है। फिर उसके बाद आ गया हमारे पास खा, राघवाह विमान यान डैश वह विहरति। क्या है ये, विहरति। तो राघवाह विमान याने न विहरति, यहाँ नीचे ऊपर लिखा है, राघव विमान जान से विहरण करता है, इसका ये अर्थ हुआ। उसके बाद है कंठा डैश शोभते, कंठा मौक्तिक हारे न शोभते। फिर उसके बाद है नवः डैश प्रकाशते, नवः सूर्याय प्रकाशते, यहाँ लिखा है नवः सूर्ये न प्रकाशते। नवः बोलते हैं आकाश को, सूर्य न मतलब सूर्य से प्रकाशित होता है, आकाश सूर्य से प्रकाशित होता है। फिर उसके बाद है अंत में पर्वत शिखरम डैश आकर्षकम दृश्यते, पर्वत का शिखर अम्बुदमाला। अब क्या होगा, अब बाकी वालों में तो आपको यहाँ दिख रहा था अंत में कहाँ, कहीं भी आ नहीं आया, तो हमने एना लगा दिया। अब अम्बुदमाले ना तो होगा नहीं, तो मालया क्या होगा, अम्बुदमालया। तो आ की मात्रा ये हट जाएगी, इसकी जगह पे लग जाएगा या। यहाँ नीचे मैंने उत्तर दिया हुआ है, पर्वत शिखरम अम्बुदमालया आकर्षकम दृश्यते, पर्वत का शिखर बादलों की माला से आकर्षक दिखाई देता है, बहुत सुंदर लगता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था। अब हम बढ़ेंगे, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ लिखा है भिन्न वर्ग से पदम चिनुता। भिन्न मतलब चूज ऑड वन, ऑड वन आपने चूज करने, ठीक है। भिन्न वर्ग, यहाँ आपने भिन्न वर्ग लिखने हैं। जैसे लिखा है सूर्य चंद्र अम्बुदा शुक्र, सूर्य मतलब सूरज, सन, चंद्र मतलब चंद्र, अम्बुदा मतलब बादल, और शुक्र मतलब शुक्र, जिसको वीनस कहते हैं। वीनस हो गया, मून हो गया, सन हो गया, और ये हो गया अम्बुदा, अम्बुदा हो गया बादल, ठीक है। तो इन सब में अलग क्या है, बादल। ये तीनों तो प्लेनेट के नाम है, सूर्य चंद्र और शुक्र, लेकिन अब बादल कोई प्लेनेट नहीं है, इसलिए ये ऑड था, तो इसे हमने यहाँ लिख दिया। वैसे ही पत्रानी पत्र, पुष्पानी फूल, फलानी फल, और मित्रानी दोस्त, इनमें अलग कौन सा है, मित्रानी। ये बहुत सुंदर क्वेश्चन है, ये आपको आ जाएगा। उसी तरह से जलचरा जल में विचरण करने वाले, खेचरा आकाश में चलने वाले, भूचरा भूचरा मतलब धरती पर चलने वाले, और निशाचरा रात को चलने वाले, इनमें अलग क्या है, निशाचरा, ठीक है। क्यों है अलग, आप खुद समझ ले। गावा, गावा होती गाय, सिंगा होता है शेर, कच्छपा होता है कछुआ, और गजा होता है हाथी, इनमें अलग क्या है, कच्छपा। क्यों है कछुआ अलग क्यों है, वो आप खुद बताएं, नीचे कमेंट में भी लिख सकते हैं आप, कमेंट में जरूर लिखना, ठीक है। मयूरा मोर, चटका चिड़िया, बहुत सारी शुका, बहुत सारे तोते, मंडू कहा बहुत सारे मेंढक, अलग क्या है, मंडू कहा मेंढक, बहुत सारे। फिर उसके बाद पुस्तकालय लाइब्रेरी, श्याम पटाहा ब्लैक बोर्ड, प्राचार्य प्रिंसिपल, और सौची कहा दर्जी, अलग क्या है, दर्जी टेलर। फिर उसके बाद आगे लेखनी, लेखनी हो गई कलम, पुस्तिका हो गई
पुस्तिका हो गई, किताब, अध्यापिका हो गई, टीचर, मिस जिसे कहते हैं, अजा हो गई बकरी, तो अलग क्या है, अजा, तो क्यों है अलग, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, कमेंट बॉक्स में जैसर लिखें ताकि मैं आपको देख सकूं कि आप मेरे लेसन्स को अच्छे से पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ लिया, अब हमें क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 में है प्रश्नानाम उत्तरानि लिखा था, प्रश्नों के उत्तर लिखो। तो पहला प्रश्न है के वायुयानम रचयन्ति, कौन वायुयान को बनाते हैं, तो उत्तर मैंने यहाँ लिखा है राघव माधव सीता ललिता वायुयानम रचयन्ति। फिर दूसरा है वायुयानम कम कम क्रांत्वा उपरि गच्छति, वायुयान किसको क्रॉस करके ऊपर जा रहा है, तो वायुयानम उन्नत वृक्षम तुंगम भवनम आकाशम चक्रांत्वा उपरि गच्छति, ये इसका उत्तर है। फिर उसके बाद वयम कीदृशम सोपानम रचयामः, हमें कैसे सीढ़ियाँ बनानी चाहिए, तो वयम हिमवंतम सोपानम रचयामः, हमें बर्फ की सीढ़ियाँ बनानी चाहिए। वयम कस्मिन लोके प्रविशामः, आगे वाला प्रश्न, वयम कस्मिन लोके प्रविशामः, किस लोक में प्रवेश करते हैं, वयम चंद्र लोके लोकम प्रविशामः, हम चंद्र लोक में प्रवेश करते हैं। उसके बाद आकाशे काहा चित्वा मौक्तिक हारम रचयामः, आकाश में क्या चुन करके मोतियों का हार बनाए, आकाशे विविधा सुंदर ताराश्चित्वा मौक्तिक हारम रचयामः, बहुत सारे सुंदर तारों को चुन करके मौक्तिक हार बनाए। फिर अंत में केषां गृहेषु हर्षं जनयामः, किनके घरों में खुशियां ले जाएं, दुखित पीड़ित कृषक जनानाम, दुखित पीड़ित किसानों के घरों में बहुत सारी खुशियां हम लेकर के जाएं। क्वेश्चन नंबर 4 था, कितने जल्दी हमने कर लिया, आप इसे अपनी कॉपी पे भी लिखें और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बताएं, ठीक है, ये बहुत आसान लेसन है। क्वेश्चन नंबर 5 उससे भी आसान, विलोम पदानि जोड़, विलोम शब्दों को जोड़ना, ठीक है। विलोम जैसे ये लिखा उन्नता, उन्नता मतलब ऊंचे, पृथिव्यां पृथ्वी, गगने आकाश में, असुंदरः अच्छे नहीं लगने वाले, असुंदर सुंदरः सुंदर, अवनतः नीचे की ओर, एक तो ऊंचा एक होता नीचा, चित्वा मतलब चुनकर, शोकः मतलब दुख, दुखी मतलब दुखी, और विकीर्य मतलब विकीर्य मतलब बिखेरना, हर्षा मतलब खुशी, और सुखी मतलब सुखी। तो यहाँ मैंने इनके लिखे हुए विलोम शब्द, उन्नता अवनता गगने पृथिव्यां सुंदरः सुंदरः चित्वा विकीर्य दुखी सुखी हर्षा चोका। देखो विलोम क्या होते हैं, अपोजिट, जिसे हम इंग्लिश में अपोजिट कहते हैं। इसके बाद बात करें बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 की, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपने अगर बालक शब्द पढ़ा है वैसा ही है, आपने इसके रिक्त स्थानों को भरना है, यहाँ विभक्तियाँ लिखनी है, इस तरह यहाँ वचन देख लीजिए, यहाँ द्विवचनम, यहाँ बहुवचनम, ठीक है, एक वचनम द्विवचनम बहुवचनम, तो इसे फटाफट आपने करना है। यहाँ मैंने नीचे करके भी दिखा दिया आपको, इसे इस तरह से भरना है और इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 6 भी हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, बच्चों ये है क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें आपने पर्यायवाची शब्द लिखने हैं, मतलब सिमिलर अर्थ बताने वाले, वैसे ही होते हैं ना पर्याय, तो जिसको हम लोग सिनोनियम्स कहते हैं, यहाँ सिनोनियम्स आपने बताने, गगने मतलब आकाश आकाशे, विमले मतलब निर्मले, चंद्रहा मतलब चंद्र को क्या कहते हैं हम लोग, ये बताना आपने, सूर्य को और क्या कहते हैं, और अम्बुधा को क्या कहते हैं, यहाँ मैंने नीचे सबके आंसर्स लिखे हुए हैं। तो ये थी आज की वीडियो, इसमें प्रश्नोत्तर थे, आपने देखे होंगे ये प्रश्नोत्तर, बहुत सुंदर प्रश्नोत्तर हैं, बहुत जल्दी से आपको आसान हो जाएंगे, आसानी से आपको याद हो जाएंगे, उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी।